नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम बोंगोई गाँव डिस्ट्रिक्ट के कुछ फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके अपग्रेड करने का एक प्रपोजल लेके आया था पर बोंगोई गाँव डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस ने इस प्रपोजल को अपोज किया है एंड काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था तो इस इशू के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे साथ साथ में गोल्डन लंगूर के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है

काजोई जाना बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई करने का प्लान था आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी प्रपोज किया था काजोई जाना बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी एंड ये जो फॉरेस्ट एरिया है दे आर बेटर नोन होम्स ऑफ गोल्डन लंगूर ये है दोस्तों गोल्डन लंगूर एक टाइप ऑफ मंकी स्पीशीज आप बोल सकते हो इसका साइंटिफिक नेम है ट्राकि पिटकस गी और ये केवल आसाम एंड भूटान में दिखते हैं

पिछले थ्री डीकेट से प्रिजर्व करते हुए आया है उसका एग्जाम्पल ये है थ्री डीकेट पहले उस फॉरेस्ट एरिया का जो कैनोपी डेंसिटी था ना वो केवल फाइव परसेंट था कैनोपी मतलब जो ट्रीज का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ठीक है इसको आप कैनोपी बोल सकते हो ये जो एरिया तो कैनोपी डेंसिटी थ्री डिकेट्स पहले केवल फाइव परसेंट था अब जाके सेवेंटी परसेंट हो गया ऊपर से जो गोल्डन लेंगूर पॉपुलेशन है ये थ्री डिकेट पहले सौ से नीचे था अब जाके छे सौ हो गया

अब दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स का मतलब क्या होता है ये समझते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब एक एरिया जो वाइल्ड लाइफ यूज के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्वड है मेरा कहने का मतलब है उस एरिया के अंदर जितने नेचुरल रिसोर्स है वो केवल वाइल्ड लाइफ को यूज़ करने के लिए है वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स अब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जितने वाइल्ड एनिमल्स होंगे ना दे मे बी फेसिंग ऑफ तो इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके नोटिफाई करते हैं अब देखिए इसकी अथॉरिटी क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेवेंटी करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को टू डिक्लेयर एनी एरिया ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क और क्लोज एरिया रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है दे आर द मोस्ट फॉरेस्ट ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगा किसी भी एक फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड को प्रिजर्व करने की जरूरत है उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो हैबिटेट्स है उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है तो वो उस एरिया को रिजर्व कैटेगरी में डाल देते हैं रिजर्व कैटेगरी में डालने के बाद लोकल लोगों को भी उस एरिया के अंदर जाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर का परमिशन वगैरह लेना पड़ता है तो इसकी अथॉरिटी है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, राइट right? अब ये दोस्तों कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स ये क्या है दोस्तों नाम से आपको पता चल गया होगा ये एक कम्युनिटी से रिलेटेड होगा इसकी अथॉरिटी है सेक्शन टू ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट अब देखिए इट इज द कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड विद इन द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज देखिए एक ट्रेडिशनल विलेज के अंदर अगर कोई कॉमन फॉरेस्ट लैंड आता है तो उन्हें कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स करके नोटिफाई करते हैं इससे क्या होगा दोस्तों उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को उस एरिया में एक्सेस वगैरह मिल जाएगा देखिए होता है ना दोस्तों हो सकता है उस एरिया को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स नोटिफाई करने से काफी साल पहले से वो कम्युनिटी उधर रह रहा होगा तो एक दिन अचानक उस एरिया को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट अगर उस एरिया को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स करके डिक्लेयर करते हैं तो उन लोगों की जो एक्सेस है वो खत्म नहीं होगा उनको एक्सेस होगा तो मेरा कहने का मतलब है उस एरिया का कंजर्वेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट के पास भी होगा और वो कम्युनिटी के पास भी होगा अब दोस्तों फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं ये 2006 में एनेक्ट हुआ था इसका ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों जितने फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनके राइट्स को रिकोगनाइज करना देखिए आप सबको पता है कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसे हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं या फिर जंगल के आसपास रहते हैं इनकी जो लाइवलीहुड है इनकी जो रिक्वायरमेंट है नीड्स है हैबिटेशन है ये सारे जंगल से जुड़े हुए हैं वो जंगल के अंदर जाते हैं चीज़ें कलेक्ट करते हैं जिसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं ये तो आपने सुना ही होगा तो यही बेच के ये अपना इनकम कमाते हैं तो इन्हें अगर जंगल के अंदर जाने नहीं देंगे

ये आपको वेस्टर्न आसाम एंड इन नेबरिंग फूटिल्स ऑफ ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान में मिलेगा हिमालयन पीपल इस मंकी को सीक्रेट मानते हैं पूरे दुनिया के सामने गोल्डन लंगूर का इंट्रोडक्शन कराया था एक नेचुरलिस्ट एडवर्ड ट्रिचगार्ड गी ने 1950s में इसलिए गोल्डन लंगूर का नाम जो है गीस गोल्डन लंगूर भी है इसका फेस ब्लैक कलर है टेल का लेंथ 50 सेंटीमीटर तक होता है हाई ट्रीज में रिजाइड करते हैं हरबीओवर्स डाइट है बेसिकली वेजिटेरियन है राइप एंड फ्रूट्स खाते हैं एंड मैच्यंग लीव्स खाते हैं सीड्स बर्ड्स फ्लावर्स ये सब खाते हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज ऑफ इंडिया एंड भूटान आप देखिए इनकी जो हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है साउथ बाई द ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट बाई द मानस रिवर वेस्ट बाई द संकोच रिवर इन आसाम एंड नॉर्थ बाई द ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान आप देखिए इसी बीच में आपको ये गोल्डन लंगूर मिलेगा नॉर्थन साइड में भूटान ब्लैक माउंटेन्स का फोटिल तक वेस्टर्न साइड में संकोच रिवर तक ईस्टर्न साइड में मानस रिवर तक साउथ एन साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये एरिया में आपको गोल्डन लैंगो का हैबिटेट मिलेगा इसकी कंजर्वेशन स्टेटस देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेटिलजर्ड का एंडेंजर्ड में है साइट्स का अपेंडिक्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल में है तो दोस्तों एंड ऑफ इट आई होप आपको पूरा इशू समझ में आया होगा लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाई है नईट डे